कि इन्होंने ये गोल्ड मेडल है ये कि इन्होंने जीत रखा है सन 2000। देखिए अरे 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 अरे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइस, आप लोगों ने पहले देखा था जो हम लोगों ने सपही गांव का ब्लॉग बनाया था और उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए एकदम दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और अभी हम लोग आ गए हैं सपही गाँव में ही फिर से एक बार। तो फिर से क्यों, आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। और हम लोग आज आपको एक बहुत ही स्पेशल आदमी से मिलवाने वाले हैं, मतलब कि इस गांव की मिट्टी से उस बंदे ने सैनिक से लेकर और कैप्टन तक का सफ़र तय किया है भारतीय सेना में। तो हम लोग उनसे मिलवाएंगे और सारा कुछ आपको दिखाएंगे कि कितना उनका लाइफ में स्ट्रगल रहा, क्या क्या उन्होंने किया। तो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और मेरा नाम है संत। तो चलिए हम लोग आपको मिलवाते हैं उनसे और सारा कुछ आपको दिखाते हैं वीडियो में। जैसा भी होगा आप लोग तो देखते ही रहेंगे। और हाँ, वीडियो पैसे ही प्यार दिखाते रहे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ के दिखाते रहेंगे और हम लोग का मनोबल भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस नए ब्लॉग का, लेट्स गो। म्यूजिक इस घर का शुरुआत होता है एक बहुत ही सुंदर गार्डन से। आप देखिए कितना सुंदर गार्डन इन्होंने कर रखा है, इन्होंने खुद से ही ये सब सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और ये यही तो सुंदरता है गांव की ना, यही सुंदरता बढ़ाता है पेड़ पौधे। और आप इधर साइड में देखेंगे तो एक जर्मन शेफर्ड इन्होंने कुत्ता भी रखा है और इससे मालूम चलता है कि एक पशु प्रेमी भी है। देखिए बहुत ही क्यूट है। और आप पूरे घर का ओवरव्यू देखिए, कितना सुंदर इन्होंने घर बना रखा है, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा धूप बढ़ गया है, धूप के कारण थोड़ा सा ब्लॉगिंग में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आए हैं तो आपको सब कुछ दिखा के जाएंगे। और घर से आप सीधे अटैच देखेंगे तो एक मंदिर भी आपको दिखेगा, इतना सुंदर लग रहा है ये। और प्रकाश ये आप लोग देखिए, ये कितना देखने में ये सुंदर लग रहा है। ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के इन्होंने ये सब फूल वगैरह लगा रखा है और वाकई देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो घर में एक छोटा सा कार पार्किंग भी बना के रखा है। संत भी आपको कैसा लग रहा है? क्या बोले, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कुछ। वाकई मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है यार। और अब आपको मिलवाएंगे उनसे जिन्होंने कि इस गांव की मिट्टी से दोस्तों सैनिक से लेकर और कैप्टन तक का सफ़र तय किया है और उनके लाइफ में क्या क्या मुश्किलें रहीं, सब कुछ उनसे ही सुनेंगे, सब कुछ उनसे ही जानेंगे। और तैराकी करके ही इन्होंने अपने देश का नाम रोशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं और सब कुछ जानते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा सब कुछ सीन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं हम लोग इन्होंने कितने सारे मेडल्स और ये सब शील्ड वगैरह जीत रखा है। और मेडल्स की तो संख्या इतनी है ना जो कि हम लोग गिन भी नहीं सकते, मतलब 300 से ज़्यादा मेडल इन्होंने जीता है। आप लोग देखिए ऊपर में ये सब लगाया होगा, ये सब मेडल आप लोग जितने भी देखेंगे इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी करके इन्होंने जीता है। और अब आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं इनका सैनिक से लेकर और कैप्टन तक का सफ़र। आप लोग देखिए ये कितने, और पर्सनालिटी तो आप लोग बताइएगा दारा सिंह जैसी है कि नहीं। देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं, वर्दी तो वाकई में बहुत जच रहा है। और ये लास्ट है, यहाँ पे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और ये सब मेडल की संख्या आप देखिए, वाकई इस गांव के लिए तो बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि इस गांव में एक ऐसा भी शख्स रहता है जो कि इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर गए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक तलवार भी देखने को मिलेगा। और गाइस ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है, जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ जहाँ ये रहे, अपना ड्यूटी किए, वहाँ वहाँ का इनका सब आइडेंटिटी कार्ड है। ये सब आप देखिए, ये 34th नेशनल गेम 2011 जो कि झारखंड में हुआ था, फिर ये खेलो इंडिया में भी ये गए थे, वहाँ का भी ये टेक्निकल ऑफिशियल। और दोस्तों ये सब फोटो देखिए, जहाँ जहाँ ये कार्यरत रहे, जहाँ जहाँ इन्होंने खेला, सम्मान पाया, वो सब इन्होंने सब लगा के रखा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि कोई भी अगर यहाँ पे आया
और आया कि आप लोग आइए यहाँ पे, इनसे मिलिए, बहुत ही अलग किस्म का पर्सनालिटी हम लोग को मिले, वाकई अच्छा लगा। आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, इनसे मिलवाएंगे, सारा सब बात करेंगे। बात है कैप्टन बिजन सर से। सर कैसे हैं आप? बहुत फाइन। तो सर बताइए आपका सफ़र क्या रहा, आपने कैसे कैसे सोल्जर से लेकर सैनिक से मतलब लेकर और कैप्टन तक का कैसे कैसे सफ़र तय किया, क्या क्या परेशानियाँ आई, मतलब आपका जो भी है एक्सपीरियंस इसमें आप शेयर करिए हम लोगों से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक हम लोग गांव देहात से रहे जी, जहाँ पर इंग्लिश शब्द भी नहीं जानते थे कि ABCD क्या होता है। 8 क्लास से जो है इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी। अच्छा। और हमारी लालन पालन पूरा जो है गांव में ही हुआ, खेलने का भी नशा था उस समय। हम लोग के गांव घर में कुश्ती खेला जाता था, फुटबॉल खेला जाता था, और बाढ़ का क्षेत्र था तो तैराकी भी किया जाता था, और उस समय बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आता था, और वहीं से अपनी तैराकी के शब्द जो सुने या जाने वहीं से स्टार्ट किया। तो सर आपका पहला ज्वाइनिंग कहाँ था, पहला ज्वाइनिंग कहाँ से किए थे? मैं बंगाल इंजीनियर सेंटर रुड़की में रंगरूप के तौर पर वहाँ पर गया था भर्ती। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस किस देश में गए हैं तैरने के लिए? हम ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम में सिलेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम, और फिर हिरोशिमा एशियन गेम के लिए सिलेक्शन हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में मैं टेक्निकल ऑफिसर के रूप में, अच्छा, दिल्ली जो 2010 में हुआ उसमें मैं टेक्निकल ऑफिसर के रूप में जी टेक्निकल ऑफिसर खेल से हमारे बच्चे भी जुड़े रहे, वो भी जो है इसी खेल से जो है नौकरी प्राप्त किए, जो आज सेना में नायक सुब्बार के पद पर है। और एक बच्चा हमारा बॉयज स्पोर्ट में भर्ती हुआ जो इसका उम्र 9 साल से 10 साल था, और आज भी जो है वो भी सर्विस में है, और वो भी सर गेम के ही रूपरेखा में अभी कार्य कर रहे हैं। तो सर आप तैराकी कहाँ से मतलब सीखना, आपको कोई सिखाया था या फिर खुद से सीखे? नहीं, मैं तो गांव देहात में ही इस तरह जैसे लोग सभी आज के डेट में भी तैरते हैं इसी तरह से मैं तैरता था। अच्छा। लेकिन ये जरूर था, मनोबल हमारा ऊंचा था कि जो भी चीज में हम काम करने जाते थे तो ये सोचते थे कि जैसे भी तैरे, टेढ़े मेढ़े जैसे भी तैरे तो हमको आगे आना है। तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान हमारे को देखा गया कि ये जो है अभी स्टाइल कुछ भी नहीं जानता है, सबसे आगे आ रहा है, तो इसके अंदर स्टैमिना बहुत ज़्यादा है। उसी स्टैमिना के ऊपर जो है मेरे को टीम में ले लिया गया, जो मैं एक जूनियर से लेकर सीनियर वर्ग ये नेशनल लेवल तक मैं खिलाड़ी बना, जो सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के 10 साल टीम कैप्टन के रूप में भी रहा। देखिए सर का आप पर्सनली देखिए, और सर आपका एज क्या हो रहा होगा अभी? अभी 60 साल की एज में ऐसा पर्सनालिटी, हमारे यहाँ 60 साल की एज में लोग लुढ़क जा रहे हैं, और 60 साल की एज में सर के पर्सनालिटी देखी जा रहे हो सर, कितना जबरदस्त लग रहे हैं। और ये हमारे मित्र भी हैं पापा, और इनका मतलब फ्रेंडशिप कितना पुराना होगा? बहुत पुराना है, करीब करीब मैट्रिक क्लास में ही है लगभग। और इन्होंने मतलब इनका टैलेंट तो मैं क्या बोलूँ, अगर इनका आप हाथ पैर बांध के भी पानी में फेंक देंगे ना तो ये तैर के निकल जाएंगे। पहले ये समुद्र में भी तैराकी करते थे, वहाँ से भी इन्होंने गोल्ड मेडल सब लाके, वो तो मैंने मेडल वगैरह सब दिखाया ही। अच्छा, आपने एक बगीचा भी लगा रखा है आम का? जी जी। और ये सब में आपकी रुचि कब से है, ये सब फूल पौधे ये सब लगाने में? ये पहले से भी रुचि था, और सबसे पहले जब से ये मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन लोग चिल्लाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग लेकर मारामारी कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे में ही ऑक्सीजन है। अच्छा। तो हम इतने जमीन पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम तो गमले में लगा सकते हैं। तो आज हमारे पास ऑक्सीजन ही है, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखने में भी एक मतलब की सकारात्मक ऊर्जा, अगर हम लोग सुबह सो के उठते हैं और ये सब हमारे सामने पड़े तो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, वाकई ये बात है कि नहीं?
सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। हमको हम लोग को तो सर से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी जब सपही गांव में आना हुआ तो एक बार ज़रूर आके इनसे मिलिए। इनका घर का एड्रेस वही है जो सपही गांव का। आप लोग ब्लॉग देखेंगे, हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सपही गांव के ब्लॉग का, आप लोग ब्लॉग देखिएगा और उसके बाद आप लोग इनके घर तक भी आ जाइएगा। तो गाइस अब हम लोग अपने ब्लॉग का यहीं पर समापन करते हैं, एंड करते हैं। और बाकी आप लोग को तो ब्लॉग अच्छा लगा ही होगा, ऐसे ही हम लोग रोज़ नया नया ब्लॉग लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। और सर आप भी एक बार हमारे सब्सक्राइबर लोग से बोल दीजिए कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिए। जी जी, सब जो है सारी लोग से निवेदन करता हूँ, इसको लाइक कीजिए और उस जगह तक पहुँचना चाहिए कि देश में नहीं विदेश तक इसकी आवाज़ जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग होते हुए भी कितने आगे हैं जी। तो इसमें सबको आगे इसी तरह से तरक्की करते रहना चाहिए। तो अब तो कैप्टन सर ने भी बोल दिया है, तब तो लाइक करना बनता है। कैप्टन सर के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। और तब तक के लिए हम लोग सर से अलविदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। I am a devil of my work.